नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी आशा के साथ कि आपके आने वाले दिन हैं अच्छे रहेंगे। चलिए दोस्तों, हमने जब सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन किया था, तब मैंने बताया था कि हम हाई कोर्ट का भी अध्ययन करेंगे, और हाई कोर्ट के अंतर्गत हम पहले जो हाई कोर्ट के तमाम चीज़ें हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं, उनके संगठन है, अनुच्छेद है, उनकी कार्य शक्ति हैं, उन पर जो लगाया गया महाभियोग है, वो किस प्रकार वो लाया जाता है, वो तमाम प्रकार की चीज़ें करने के बाद में हम जब अध्ययन करेंगे, वो करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय का। तो मैं एक एक करके हर चीज़ बारीकी से आपको बताता जाऊंगा। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, तो यहाँ पर आपके समझने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन है नीचे, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके पहले सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन कर लीजिए, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट का आप देख लीजिए, आपकी ज़्यादा समझ में आएगा, और दोनों चीज़ें हैं यहीं आपके क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट। देखिए, भारत है उसमें एकल सामयिक न्यायिक व्यवस्था है, मैंने आपको बताया था। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके ऊपर कार्य करता है, यानी ये बीच की कड़ी हो गई एक तरीके से। राज्य है वो न्यायिक प्रशासन की जो बात अगर की जाए, तो उच्च न्यायालय की स्थिति है वो शीर्ष पर होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन गया है। तो राज्य की अगर जो न्यायिक प्रक्रिया की जो अगर न्यायिक प्रशासन की बात की जाए, तो उच्च न्यायालय की जो स्थिति है वो एकदम राज्य के लेवल पर देखें तो वो शीर्ष पर होती है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। देखिए, भारत में अगर उच्च न्यायालय की जो गठन की अगर बात है, तो 1862 ईस्वी में जो कलकत्ता है, बंबई और मद्रास, इन हाईकोर्टों की स्थापना हुई थी, तो ब्रिटिश भारत में इनकी स्थापना की गई थी। तो तीन ये चीजें हैं आप याद रखना, 1862 में इसकी इनकी स्थापना की थी, उसके बाद में 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, तो ये चीजें याद रखना। अब देखिए, कलकत्ता है इसका नाम पहले जो कोलकाता रख दिया है, उसके बाद में जो बंबई है उसका नाम परिवर्तन करके मुंबई रख दिया गया है, उसके बाद में जो मद्रास था उसका चेन्नई परिवर्तित करके नाम रख दिया गया, तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, ये चीजें वही है सेम। उसके बाद में दोस्तों, अगर बात करें अपन इधर आते हैं वर्तमान संदर्भ में, अगर हम देखें तो वर्तमान संदर्भ में जो भारत के अंतर्गत है अभी 24 हाईकोर्ट है, ये एचसी का मतलब हाईकोर्ट है, और मैं एचसी लिखता जाऊंगा, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में। देखिए, अपना जो सातवां संशोधन लाया गया था 1956 में, सातवां संशोधन, और संसद को उस टाइम ये अधिकार दिया गया था कि जो दो या दो से अधिक राज्य, या तो दो होंगे या दो से अधिक राज्य जितने भी हो सकते हैं उनका, या फिर जो संघ राज्य क्षेत्र हैं जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका क्या हो सकता है, एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। तो ये उनको एक छूट दी गई थी, सातवां संशोधन 1956, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो ये चीज जरूर ध्यान रखें। सातवां संशोधन 1956 में ये संसद को ये अधिकार, ये छूट दी गई थी कि कोई भी, जैसे जैसे ये पंजाब हरियाणा का अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दो स्टेट हैं लेकिन इनका जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, तो ये वहां पर छूट दी गई थी। उसके अलावा जो जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी उन हाईकोर्ट में सम्मिलित किया जा सकता है, तो ये चीजें कुछ सातवें संशोधन और 1956 में, ये चीज याद रखना। वर्तमान संदर्भ में 24 हाईकोर्ट हैं, ये याद रखना। उसके बाद में 24 हाईकोर्ट के अंतर्गत जो चार हैं वो साझा उच्च न्यायालय हैं, ये चार। अब ये चार कौन कौन से हैं, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, चंडीगढ़ है उसमें पंजाब हरियाणा दो स्टेट साझा है, मुंबई है उसमें महाराष्ट्र और गोवा दोनों साझा है हाईकोर्ट में, गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये चारों उसमें साथ हैं। उसके अलावा हैदराबाद है, अभी आपको पता है तेलंगाना वहां से अलग हुआ है, तो वहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैदराबाद हाईकोर्ट के अंडर में आता है, तो ये चार जो उच्च न्यायालय साझा उच्च न्यायालय हैं अभी भारत देश में। देखिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका कहाँ कहाँ अधिकार क्षेत्र है हाईकोर्ट, वहां उनका कौन कौन सा लगता है। देखिए, जो 1966 की मैं बात करता हूँ, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी इंपॉर्टेंट इतने नहीं है लेकिन अपने को पढ़ना सब कुछ है। तो ये एक ऐसा राज्य है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद में हम अध्ययन करते हैं चंडीगढ़ है ये पंजाब हरियाणा जो हाईकोर्ट है उसमें पड़ता है, पुदुचेरी है ये चेन्नई में पड़ता है चेन्नई हाईकोर्ट में, दादरा नगर हवेली और जो दमन दीव है ये महाराष्ट्र हाईकोर्ट में पड़ता है, लक्षद्वीप है केरल हाईकोर्ट में, अंडमान निकोबार है कोलकाता हाईकोर्ट में ये पड़ता है। तो ये चीजें आप जरूर याद रखें इस चीज से, इस प्रकार अगर याद करोगे तो आपके जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो नहीं रहेगी। तो उसके बाद में हम चलते हैं, देखिए दोस्तों, जो ये सातवां संशोधन 1956, ये दो या दो से राज्यों की बात की थी, ये जो अनुच्छेद है यहां पर ये 231
इसमें ये यही कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों में एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। तो अनुच्छेद 230 आपको यहाँ याद हो गया। अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जब हमने अध्ययन किया था, जो अनुच्छेद का अध्ययन किया था, उस टाइम क्या था, 124 से लेकर कहां तक था, 147 तक, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ ही नहीं किया, स्टार्टिंग इसने कहां की है, देखिए जो दो है इसको ये पहले ले गया, एक है इसको यहां ले गया, तो दो एक और चार का चार यहां रहने दिया, तो 201, 214 से कहां तक कर दिया, 231। लास्ट अपने को ये याद रखना है कि दो या दो से अधिक राज्य मिलकर क्या बन सकते हैं, साझा उच्च न्यायालय बना सकते हैं। तो यहां पर जो अनुच्छेद हो गए वो, ये क्वेश्चन है पटवारी में पूछा गया है, तो ये याद रखें आप, 214 से 231 तक। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय का संगठन की बात करते हैं कि इसमें कितने न्यायाधीश हो सकते हैं और कितने मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है, मुख्य न्यायाधीश तो एक होगा, ये तो इसमें कहा गया है, जो उच्च न्यायालय का जो संगठन है उसमें ये कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश तो एक होगा, लेकिन जो न्यायाधीशों के बारे में है उनकी संख्याओं के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति अपने विवेक पर छोड़ दिया गया है, राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या है वो निर्धारित कर सकता है। अगर वर्तमान में संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान में है 1+49, 49 तो है जो न्यायाधीश है और एक है मुख्य न्यायाधीश। तो इनकी सारी चीजें हैं, मैं यहां पर आपको अध्ययन करूंगा एक एक चीजें, आपको कब ये 50 कब संख्या पहुंची, पहले 7 हुई, पहले 11 से स्टार्ट होके फिर ये 7 हुई, 7 से स्टार्ट होके 50 तक पहुंची, ये चीजें वहां पर इस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब कुछ और चीजें हैं हाईकोर्ट से संबंधित, कुछ और चीजें हम जानते हैं। देखिए अब जल्दी से देख लेते हैं जो हाईकोर्ट है उसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। देखिए अब हमने जब सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन किया था, वहां पर जो चार वरिष्ठतम जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते थे और एक होता था सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो परामर्श देते थे राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति किसका आदेश देता था, नियुक्ति का आदेश देता था। तो यहां पर जो दो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और एक जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ये मिलकर परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को और फिर उसको नियुक्ति का आदेश दिया जाता है। और जो शपथ है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, वो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा, या फिर राज्यपाल क्या करता है, कोई अपनी तरफ से कोई जो व्यक्ति है उसको नियुक्त करता है, वो उसको शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है, नियुक्त कोई भी अन्य व्यक्ति है। और ये जो राज्यपाल होता है ये संबंधित तो उस राज्य का राज्यपाल होना चाहिए, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों जो एक बेसिक सा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कितना था कार्यकाल, 65 वर्ष था, और यहां पर जो हाई कोर्ट है इसमें 62 वर्ष है, तो ये डिफरेंस याद रखें, 3 वर्ष का अंतर है। अब यहां पर जो न्यूनतम आयु है उसके बारे में संविधान में इसके इसमें भी नहीं बताया गया था, इसमें भी नहीं बताया गया, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, डिफरेंस हो गया। लेकिन ये 62 वर्ष, ये कन्फर्म है कि 62 वर्ष आयु तक ही हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है वो रह सकता है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों हाईकोर्ट की जो हाईकोर्ट न्यायाधीश है उसकी योग्यताएं देख लीजिए, एक तो है भारत का वो नागरिक होना चाहिए, और एक है कम से कम उसको क्या होना चाहिए, 10 वर्षों तक कोई भी जो न्यायिक कार्य करने का है उसको अनुभव होना चाहिए, यानी उच्च न्यायालयों में जो न्यायालय में भारत का कोई भी जो न्यायिक कार्य है उस पर अनुभव इसको होना चाहिए, और उसको क्या होना चाहिए, कम से कम उसको 10 वर्ष तक है वो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता वो रह चुका होना चाहिए, ये इसकी जो योग्यता है वो है। इसमें देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरह जो प्रख्यात न्यायविद थे वो इसमें नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, वहां पर ये उसमें हमने पढ़ा था कि प्रख्यात न्यायविद जो कानून के ज्ञाता हो वो नियुक्त होंगे, लेकिन यहाँ पर वो कंपलसरी नहीं है, तो ये इसकी योग्यता है, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, त्याग पत्र की अगर बात है, तो ये त्याग पत्र है ये राष्ट्रपति को लिखित और हस्ताक्षरित त्याग पर यह प्रस्तुत कर सकता है, तो ये किसको, त्याग पत्र किसको प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वेतन और भत्तों की अगर बात करें, तो यहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बात की थी, मुख्य न्यायाधीश को कितने रुपए मिलते थे, 1 लाख रुपए, ठीक है। यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश है उसको कितने मिलेंगे, 90,000 रुपए, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश था उसको कितने मिलते थे, 90,000 रुपए, और यहां पर कितने मिल रहे हैं इसके जो न्यायाधीश है उसको, 80,000 है। तो अपने को जो सीरीज है वो 1 लाख से स्टार्ट करनी है, सुप्रीम कोर्ट यानी मुख्य न्यायाधीश को कितना, 1 लाख, और न्यायाधीश को कितना, 90,000। अब जो न्यायाधीश का यहाँ सुप्रीम कोर्ट में था वो उस राज्य राज्य स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को मिल जाएगा, और उसके 10,000 कम करके ये न्यायाधीश को हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखना, ये आई कई बार वनलाइनर क्वेश्चन में इस प्रकार की चीजें हैं पूछ ली जाती है। उसके अलावा दोस्तों ये पेंशन का तरीका है, अगर जब पेंशन जैसे ही ये सेवानिवृत्ति लेंगे तो इनके जितना भी जैसे कोई अंतिम माह का वेतन, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उसका 50% ये पेंशन के रूप में इनको मिलेगा, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनको जो महाभियोग के तहत जो हटाया जाता है वो प्रोसेस है, वैसे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें ये पूरे की पूरे बता चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं आई आपको यहां बताऊंगा, ताकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद में हम राजस्थान के बारे में। देखिए दोस्तों, जो न्यायाधीश है हाईकोर्ट का, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम की सेम है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की तरह ही। तो इसमें भी जो विशेष बहुमत के तहत है इसको हटाया जाएगा। तो इसका निष्कासन प्रस्ताव है, एक बार मैं आपको फिर पढ़ा रहा हूं, इत्मीनान से आप समझना। देखिए, किसी भी एक सदन में ये प्रस्ताव है लाया जा सकता है। उसके लिए देखिए क्या करना होता है, लोकसभा में तो 100 सदस्य होने चाहिए न्यूनतम, और राज्यसभा में 50 सदस्य होने चाहिए। तो ये प्रस्ताव है एक सदन में, इसको लाया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, ये सभी सदस्य है, ये हस्ताक्षर किया हुआ निष्कासन प्रस्ताव लाकर किसको देंगे? अगर ये प्रस्ताव लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो ये किसको देंगे? सभापति को। आपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने सुप्रीम कोर्ट एक बार वापिस आकर वहां पर एक बार और रिविजन कर लीजिए, मैंने वहां पर आपको ज्यादा डिटेल बताया इसका। और उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए उसके बाद में देखिए, यहां पर जैसे लोकसभा अध्यक्ष है तो उसको लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभापति को वहां पर सौंप दिया। अब सौंपने के बाद में इनको स्पेशल पावर है, लोकसभा अध्यक्ष और जो सभापति है, यहां पर ये सभापति है, इन दोनों को स्पेशल पावर है कि इस जो प्रस्ताव है इसको स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। अगर अस्वीकार कर लिया तो कुछ बात नहीं, अगर स्वीकार कर लिया तो जो अध्यक्ष या सभापति हैं, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति, ये क्या करेंगे, एक 3 सदस्यीय कमेटी का डिसीजन लेंगे, और 3 समिति जो सदस्यीय कमिटी है उसको गठन करेंगे। उसमें भी सेम वही रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश होगा, या सुप्रीम कोर्ट का वो न्यायाधीश हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, या कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी हो सकता है, यानी कि जो कानून का जानकार हो। ये 3 सदस्यीय कमेटी होगी, और अगर ये 3 सदस्यीय कमेटी है उसको दोषी पाती है न्यायाधीश को, तो दोषी पाने के बाद में जो रिपोर्ट है ये जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा वहां पर रखी जाएगी, और वहां पर क्या होगा, विशेष बहुमत से वहां पर अगर पारित हो जाएगी। तो ये विशेष बहुमत क्या है इसके बारे में थोड़ी सी रुकिए, मैं आपको बताता हूँ नीचे जाके। और अगर विशेष बहुमत से पारित हो गई, उसके बाद में ये राष्ट्रपति के पास जाएगी, और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको हटाने का आदेश दे देगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है हटाने की। अब देखिए, विशेष बहुमत के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। विशेष बहुमत होता क्या है? विशेष बहुमत यह होता है कि सदन की कुल सदस्य का बहुमत और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यही विशेष बहुमत है। तो देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या, जैसे मान लो राज्यसभा में ये रखा गया है, तो राज्यसभा में जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 200 सदस्य हैं। अब 200 सदस्य × 50/100, तो ये कितना हो गया, 100 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य, अब मान लो 200 टोटल हैं, 200 में से उस दिन 100 150 उपस्थित थे, और 150 में से ही वोट कितनों ने दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 120 ने दिया। अब 120 का 2/3, 120 का 2/3 कितना होता है, 40 80। तो ये अब यहां पर ये वैल्यू रखते हैं, ए कितनी आई 100, और बी कितनी आई 80। तो ये ए ग्रेटर देन बी बी हो गया, तो ये जो न्यायाधीश है ये हटेगा नहीं। और इसी प्रकार लोकसभा में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 300 सीटें मान लेते हैं, और उसके बाद में निकालते हैं, तो ये दोनों में क्या होना चाहिए, जो बी है ये ग्रेटर देन होना चाहिए ए से, या फिर इक्वल देन हो सकता है, तो भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और खुशखबरी की बात यह है कि हाईकोर्ट में आज तक किसी को जो न्यायाधीश है उसको हटाया नहीं गया है, उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया नहीं गया है। तो ये चीज भी आप याद रखें, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो वहां पर ये अगर पूरी प्रोसेस नहीं पूछे और इस प्रकार डायरेक्ट से पूछ ले तो आप उसको बता सकते हो कि नहीं हटाया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे कि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूज कि वहां पर दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ बता दिया था, लेकिन ये अलग अलग होता है, और अलग अलग दोनों सदन पर दोनों सदन अलग अलग देखा जाता है, उनमें से दोनों का अगर पारित होता है तब जाके राष्ट्रपति उसको आदेश देता है हटाने का। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए वहां पर। अब देखिए दोस्तों, इतना सब कुछ हो गया, और अब हम जो राजस्थान का जो अध्ययन करेंगे, राजस्थान के न्यायाधीश के बारे में तमाम प्रकार की चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में जो सेवानिवृत्ति के बाद अगर किसी जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य जो न्यायालय है उनको छोड़कर अपने जो वो सेम जिसे कोई राज्य है और उसमें हाई कोर्ट या फिर कोई उस राज्य के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय है उसमें बिल्कुल काम नहीं कर सकता, और नहीं वो सरकार के अधीन कोई लाभ का पद है वो धारण कर सकता है। तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखें कि यहाँ का हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट का वहां पर उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, या फिर उच्च न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय है वहां पर कोई दूसरा राज्य है दूसरे राज्य में जाकर वहां पर उच्च उच्च जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो ये चीज खुद का राज्य है उसमें कुछ भी वो नहीं कर सकता, ये चीज जरूर ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ।
अब देखिए दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय है, इसकी जो स्थापना से पूर्व जो हिस्ट्री है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसको समझना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो याद रखने चीज है वो याद रखना, लेकिन जो प्रोसेस है उसको देखिए, इंटरेस्टिंग चीज है मैंने बनाई है, तो इसको आप पढ़ें तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, एकीकरण से पूर्व है जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, कोटा और उदयपुर, यहाँ जो रियासतें थी उनमें स्वयं के अलग अलग उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर कार्यरत थे। और बाद में क्या हुआ, मार्च 1949 को क्या हुआ, जो सरकार है उसने राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के द्वारा इन सभी उच्च न्यायालयों को तो समाप्त कर दिया। और उसके बाद में जो स्थापना की वो की किसकी की, जो एक ही उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया और जिसकी प्रधान पीठ कहाँ पर रखी, जोधपुर रखी। तो ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गई। उसके बाद में क्या किया, 21 जून 1949 को हाईकोर्ट के गठन का आदेश दे दिया गया। उसके बाद में जो 29 अगस्त 1949 इसका उद्घाटन किया गया था, जो वर्तमान में अपना जो हाईकोर्ट है जोधपुर के अंतर्गत, तो 21 जून को तो ये इसका आदेश दिया गया था। उसके बाद में 29 अगस्त 1949 को इसका उद्घाटन किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, राजपुरमुख थे सवाई मान सिंह सेकिंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और इन्होंने शपथ उद्घाटन में भाग लिया। और ये तो जो हाईकोर्ट की जो प्रधान पीठ थी ये, उसके अलावा दो यहाँ पर जो खंडपीठ थी उसका नाम था जयपुर और उदयपुर, ये दो वहां पर खंडपीठ थी, ये चीज भी आप याद रखें। और जो ये 29 अगस्त 1949 को जो भव्य समारोह रखा गया था, इसमें पहले जो मुख्य न्यायाधीश किसको बनाए गए थे, कमलकांत वर्मा, जिसको आप बोलते हो के वर्मा, ये वही हैं। और यहाँ पर जो खाका था, पहले जब ये स्थापना की गई थी, 1+11 मैंने क्यों लिखा है, एक तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो कि के वर्मा थे और 11 यहाँ पर अन्य न्यायाधीश थे। तो ये चीज भी याद रखें, हर चीज यहाँ वाली सारी चीज इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जो वर्तमान में अपने जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो मुझे बताना है, ये चीज आपके अधीन है, अब आप मुझे बताते हो या नहीं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 सितंबर 1949 को क्या हुआ, कोटा और बीकानेर को क्या किया कर लिया गया, जो बेंच है वहां पर भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जैसे उदयपुर और जयपुर में थी, उस प्रकार 3 सितंबर 1949 को क्या किया, कोटा और बीकानेर में भी ये बेंच खोलने का निर्णय लिया गया था। बाद में क्या हुआ, 22 मई 1950 है उसमें कोटा, उदयपुर, बीकानेर को ये जो बेंचे थी इनको वापस समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया। तो ये डेटे कोई याद रखने लायक नहीं है, लेकिन एक जस्ट हिस्ट्री है, ये इतिहास है, तो आप ऐसे इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ लीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर ये कोटा, उदयपुर और बीकानेर तीनों समाप्त हो गई। अब बची कौन सी है, जयपुर। अब जयपुर का भी काम करते हैं थोड़ा सा। अब जयपुर पे चलने से पहले 1 नवंबर 1956 की बात है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था और केंद्र सरकार ने राजस्थान की राजधानी और हाईकोर्ट के स्थान परिवर्तन करने के बारे में उनको सुझाव देने के लिए एक कमेटी डिसाइड की थी। ये कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10-11 जुलाई 1957 को इस 3 सदस्य इस कमेटी का गठन किया गया था, पी सत्यनारायण राव समिति की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी थी, 2 सदस्य बीके गुप्ता और वी जो विश्वनाथन है उनकी अध्यक्ष उनके सहयोग से ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। 10-11 जुलाई 1957 को इसकी गठन किया गया था और इसका गठन का उद्देश्य था कि जो राजधानी और जो हाईकोर्ट जो स्थान है वो उनका सुझाव देने के लिए या फिर उनका परिवर्तन करने के लिए ये समिति का गठन किया गया था। और इन्होंने 26 फरवरी 1958 को अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी थी और रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जयपुर है उसको राजधानी ही रहने दिया जाए और जोधपुर है उसको हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की वहां ही उसको जो रखने हाईकोर्ट वहीं बनाए रखने के लिए आदेश दिया। और जो जयपुर बेंच थी यहां पर एक लटक रही थी जयपुर बेंच, उसको समाप्त करने का इन्होंने सलाह दी थी और इसी सलाह को मानते हुए 1958 में जो जयपुर बेंच थी उसको समाप्त कर दिया गया था। और अब अगर समाप्त कर देंगे जयपुर बेंच को तो जोधपुर, तो देखिए ये मान लीजिए ये राजस्थान है, जोधपुर तो यहाँ पड़ता है और ये जयपुर है, तो ये उन इधर वाला इलाका परेशानी में आएगा कि नहीं आएगा पूरे राजस्थान में। तो ये लगभग 18-19 जिले ऐसे थे जो परेशानी का सामना करने लगे, तो जयपुर और पूरे जो परेशान जो राज जो जनता थे वहां पर भारी उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। और फलस्वरूप क्या हुआ, 8 दिसंबर 1976 को क्या करना पड़ा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जो आदेश है वो जारी करना पड़ा और आदेश जारी करके हाईकोर्ट की जयपुर में एक स्थायी पीठ जिसको बोलते हैं जयपुर बेंच, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 21 जनवरी 1977 को जयपुर बेंच ने अपना पुनः कार्य प्रारंभ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति ने एक आदेश दिया था, ये आप भी चीज याद रखें।
अब ये जो 10-18 जिले थे इनके बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हो, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जयपुर बेंच का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार पड़ता है वो किन किन जिलों के अंतर्गत? तो ये 7 संभाग हैं, 7 संभाग के अंतर्गत जयपुर पूरा संभाग इसके अंतर्गत आता है, इसके बेंच के अंतर्गत। उसके अलावा कोटा संभाग है वो पूरा आता है, कोटा के अंतर्गत कौन सा आता है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और जो जयपुर है उसमें जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, और ये एक भरतपुर संभाग इसके अंतर्गत आता है। तो लगभग 3.5 संभाग इसके अंतर्गत आते हैं जयपुर बेंच के अंतर्गत, और अजमेर और टोंक जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और भरतपुर में कौन कौन से आते हैं संभाग में? भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली। तो ये चीजें आप बेसिक सी जानते हैं, 18 जिले लगभग इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं वर्तमान संदर्भ में जो अपने जो वर्तमान संगठन है यहाँ का वो किस कितना है। पहले स्थापना हुई थी तो मैंने आपको बताया था 1+11, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 11 न्यायाधीश थे। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, इनकी संख्या जो कम कर दी गई थी, न्यायाधीश सहित टोटल संख्या थी 7। इस टाइम 26 जनवरी 1950 को राज्य है 20 श्रेणी का करने पर इसको कम सदस्य संख्या कम करके, और फिर 2015 में 1+49 कर दी गई। पहले 40 थी और अब 1+49 हो गई। तो वर्तमान संदर्भ में अपने को ये याद रखनी है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 49 न्यायाधीश हैं। अब हाईकोर्ट है उसमें राज्य के सभी जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है अपील की जा सकती है, और उच्च न्यायालय है हाईकोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये एक कड़ी होती है। राज्य में है जिला स्तर पर दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायालय, और फौजदारी न्यायालय के लिए सेशन कोर्ट होता है। सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश श्री कैलाश नाथ वांचू ये रहे थे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लंबी अवधि तक। तो ये मोस्ट मोस्ट मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें, लाइक भी कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और अगर आपका ज्यादा ही दिल खुश हो गया हो तो इसको शेयर भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें।